आइए दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में एक और ऐसा मेहमान मौजूद है कि जिसकी आवाज की खुशबू से मुशायरे की फजाएं मुअत्तर हो जाया करती हैं। मैं बहुत अदब के साथ अलीम वाजिद को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और जोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल कीजिए। अलीम वाजिद माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। देखिए हाजरीन, ये चचा बैठे हैं माशाल्लाह। आज से 3 बरस पहले मेरी हाजिरी हुई थी तो मुझे याद है, शायद इनकी नजर मैंने शेयर किया था। तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पुरानी बात बहुत जल्दी से याद आती है। मेरे सज्जाद जंजट साहब, मेरे बड़े भाई, और डॉक्टर तारिक कमर साहब और साहिल माधोपुरी साहब। अभी शायर आपसे मुखातिब थी, एक मतलब और एक शेर मुझे याद आता है। अगर ये नौजवान और भूतपूर्व नौजवान मेरा साथ दे, एक बार तमाम लोग ताली बजा कर इस्तकबाल कर दे, ताकि इधर अल्लाह ने आपको तो हाथ दिए, थोड़ा सा आप भी इस्तेमाल कर ले। ताली बजा दीजिए आप भी एक बार। नहीं बजाते, चलो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको तौफीक दे ताली बजाने की। हाजिर करता हूँ। उसने कहा अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए, पढ़ू तो ये महल आपसे ज्यादा भारी लग रहा है, तो आप भी थोड़ा सा बेदार हो जाए, अच्छा लगेगा। मेरे भाई नौजवान बैठे, हाँ मैं बिल्कुल पीछे, हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा अगर आप साथ देंगे इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ। उसने कहा अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। उसने कहा अपना मुझे उसने कहा अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए, रोज आ जाता है ख्वाबों में सताने के लिए, सताने के लिए। रोज आ जाता है ख्वाबों में सताने के लिए, सताने के लिए, सताने के लिए। एक शेर और, बहुत अच्छे चचा की नज़र करता हूँ, खासतौर से मुलाहिज़ा फरमाए। अपनी आँखों से कोई जाम पिलाने के लिए, पिलाने के लिए। अपनी आँखों से कोई जाम पिलाने के लिए, मिलने आ जा तू मेरी प्यास बुझाने के लिए, बुझाने के लिए, बुझाने के लिए। इधर का महल्ला खामोश है, या तो समझ में नहीं आ रहा। क्या कहने अली, बहुत खूब भाई। मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ क्या? तो मेरी जान, जब आपकी समझ में आ रहा है तो आप दाद क्यों नहीं दे रहे हैं? अब की बार ये शेर पढ़ता हूं, इनसे ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत मिलनी चाहिए। हाजिर करता हूं। उसने कहा अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। अपनी आंखों से कोई जाम पिलाने के लिए, मिलने आ जा तू मेरी प्यास बुझाने के लिए, बुझाने। क्या कहने, बहुत अच्छे अली, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, बहुत मोहब्बत करम फरमाई आपकी। आपने ये दो शेर सुने हैं, लेकिन एक कुरान के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। कुरान के हवाले से एक शेर इसमें हुआ है, मुलाहिज़ा फरमाए। उसने कहा अपना, हर शेर पे आपको दाद देनी जब तक मैं माइक पे खड़ा हूँ। हाजिर करता हूँ। उसने कहा है अपना दिखाने के लिए, दिखाने के लिए।
कल इसे पढ़ के जमाने में हुए थे गाजी। अगर इस शेर में आपको अच्छाई लगे, सच्चाई लगे, कुरान के हवाले से पढ़ता हूँ शेर, तो भरपूर दुआ से नवाजना अलीम वाजिद को। शेर मुलाजा फरमाए, उसने कहा अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए कल इसे पढ़ के जमाने में हुए थे गाजी, आज कुरान है ताको में सजाने के लिए सजाने के लिए। जितने भी नौजवान बैठे अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझते हैं, लेकिन इस माइक से एक शेर ऐसा पढ़ रहा हूं मैं डॉक्टर तारिक कमर के हवाले से, सज्जाद के हवाले, तमाम शोरा के हवाले से, उर्दू के हवाले से आपको शेर सुनाता हूं। उसने कहा अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए कल तलक उर्दू को शहजादी कहा जाता था कल तलक उर्दू को शहजादी कहा जाता था, बन गई उजड़ी हवेली ये जमाने के लिए। क्या कहने, एक मतलब पढ़ता हूँ उसके बाद आपसे इजाजत। मुलाजा फरमाए, जी भाई इनायत की शुक्रिया मोहब्बत। डाइस के हवाले से तमाम सामाइन की नज़ करता हूँ, हाजिर करता हूँ। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी, बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी, शायद हुई है तुझको मोहब्बत अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलीम वाजिद साहब, और पढ़ दीजिए, और पढ़ दीजिए कि खुदा ने किस कदर दिलकश तुम्हें आवाज बख्शी है, खुदा ने किस कदर दिलकश तुम्हें आवाज बख्शी है, गजल तुम जब भी पढ़ते हो तो महफिल झूम जाती है। जोरदार तालियों के साथ अलीम वाजिद का एक बार फिर इस्तकबाल कीजिए। नहीं, 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 ये भी अच्छा वही है और कुछ नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बार ताली जी जी मैं पढ़ूंगा। नदीम भाई, वासिफ भाई, काशिफ साहब और हमारे बुजुर्गवार है असलम भाई, शाहिद साहब, तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया। ये मतलब पढ़ता हूँ, चंद शेर है, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, हाजिर करता हूँ। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी, बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी, शायद हुई है तुझको मोहब्बत अभी, मोहब्बत अभी। अच्छा खूबसूरत शेर अब पढ़ने जा रहा हूं। मुलाजा फरमाए शाहिद भाई, खासतौर से मुलाजा फरमाए। खाना किसी गरीब को मैंने खिलाया है। खाना किसी गरीब को मैंने खिलाया है, उतरी है मेरे घर में भी बरकत अभी। बहुत अच्छे। उतरी है मेरे घर में भी बरकत अभी। क्या कहें, बरकत अभी
मेरे बुजुर्गवार क्या मोहब्बत आपके हवाले से शेर और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए मुलाजा फरमाए। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी, और क्या बात है जो लहजे में इतना गुरूर है, इतना गुरूर है, क्या बात है जो लहजे में इतना गुरूर है, लगता है तूने पाई है दौलत अभी अभी। क्या कहने क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब। आमीन आमीन इलाही आमीन। क्या कहने अलीम भाई, बहुत अच्छे भाई, ताली बजा दिया करे जब आपको अच्छा लगा करे, माशाल्लाह। वो इधर महल्ले के कुछ लोग जी शुक्रिया मोहब्बत, मैं हाजिर करता हूँ। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी, क्या बात है जो लहजे में इतना गुरूर है, इतना गुरूर है। क्या कहने, पढ़िए अलीम साहब, कुछ नहीं ऐसे ही सर फिरे हैं भाई। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी, क्या बात है जो लहजे में इतना गुरूर है, लगता है तूने पाई है दौलत अभी अभी, दौलत अभी अभी, लगता है तूने पाई है दौलत अभी अभी, दौलत अभी अभी। इससे अच्छा शेर सुना दूं आपको, अल्लाह के शुक्र से तड़प जाएंगे। मैं हाजिर। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी, जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, मेरा मकान तो, जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, बेटी मेरी की है तिलावत अभी अभी, तिलावत। क्या कहने क्या कहने, बहुत अच्छे। बेटी ने मेरी की है तिलावत अभी अभी, तिलावत अभी अभी, बहुत अच्छे बहुत खूब। क्या कहने भाई, जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, मकान तो, जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, बेटी ने मेरी की है तिलावत अभी अभी, तिलावत अभी अभी। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी। जी वो फरमाइश पढ़ूंगा, लेकिन चार मिसरे सुन ले, फहरिस्त बहुत तवील है क्योंकि मैं अपना वक्त हमारे सज्जाद भाई है और तमाम लोग हैं उनको देना चाहता हूं, और नाज़िम साहब दर साहब तशरीफ रखते हैं। मैं चार मिसरे हिंदुस्तान के हवाले से पढ़ दूं, बस ये सुन ले। जी इनायत कीजिए। अपने दो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता, अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, जिसके सीने में, जिसके सीने नहीं अपने वतन की ही उल्फत,
वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है? आंख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है? जुल्फ बादल है तो बादल की जरूरत क्या है? और जिसकी आवाज से दब जाए किसी की आवाज, ऐसी आवाज को पायल की जरूरत क्या है? दोस्त, इस महफिल और प्रोग्राम के वकार को और जश्ने डॉक्टर तारिक कमर साहब का वकार बुलंद